Okay, hello everyone. So right now I'm in Sango Lake, and as I've shown you, this is the view, and it's very beautiful, man. Like, seriously, dil khush ho jata hai aisa view dekhta hu. Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today you are watching my vlog that will be of Nathula Pass. So अभी मैं हूँ जुलुक बोल के एक जगह है, उससे थोड़ा काफ़ी पहले हूँ, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कर्व, यू नो लेंस. सो इसमें मैं अपना व्लॉग का जो है स्टार्टिंग कर रहा हूँ. सो या गाइस, कंटिन्यू अहेड. आपको अगर देखना है ऐसे वादियाँ, ऐसे रोड्स, कर्व रोड्स अगर देखने हैं, तो आप इस व्लॉग को आगे तक ज़रूर देखें. वीडियो गाइस. Okay, hello everyone, good morning. So I'm in Gangtok right now, and मैं अभी निकलने वाला हूँ. अभी टाइम हो चुका है 8. सो 8 बजे मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, गैंगटॉक से एम जी मार्ग. फिर यहाँ से राउंड अबाउट लेके आई विल हैव टू गो फॉर 0 माइल, देन आई हैव टू गो टू 3rd माइल चेक पोस्ट. वहाँ पर आपको परमिट वगैरह दिखाना पड़ेगा. उसके बाद वहाँ से साइन वाइन करवा के फिर मैं निकलूँगा फॉर छांगू लेक, देन नाथुला पास, देन बाबा मंदिर, देन जुरूक. लेट्स सी जुरूक होता है कि नहीं. अगर बर्फ़ रहेगा तो देखते, कुछ पता नहीं है. It depends on the road situation, road condition. So अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ. I'm already late, and मिलते हैं रोड पे. Okay guys, so सारा सामान जो है मैंने लाद दिया है. बहुत गर्मी लग रहा है. इतना सारा लगेज बांधो, एंड देन उसके बाद जैकेट वैकेट पहनो. सो माई बाइक इज़ रेडी. कल मैंने ब्रेक पैड्स चेक किया, ब्रेक पैड्स ख़त्म है, बट इतना सा बाकी है, पता नहीं उससे क्या होगा. अच्छी एनी वे. नाउ लेट्स मूव अहेड फ्रॉम हियर, एंड उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ सीधा रोड पे. फाइनली बैक टू द रोड. कांट वेट टू गो नाथुला. सो दिस इज द टूरिज्म ऑफिस. ये है एम जी मार्ग. अगर मैं यहाँ से राइट लेता हूँ तो आपको एम जी मार्ग मिलेगा, एंड आई हैव टू कंटिन्यू स्ट्रेट फॉर नाथुला. सो यहाँ से आपको लेना है लेफ्ट समोले का नाथुला. From this roundabout you need to take this left turn. Nathula is 52 kilometers. The day is amazing, pretty cool. Thanda lag raha hai, but sun hai, jiske kripa se hum aage bache reh payenge. Ab main bheed to dekho. Full. जाएंगे? देखो, अगर जुलुक खाली होगा तो जुलुक से निकल जाऊंगा. खाली है रास्ता, लेकिन वो आगे जाके बहुत खराब हो जाता है ना. आप पहले ही आए? हाँ, नहीं, बहुत बार जा चुका हूँ मैं. बहुत खराब होता है. अगर नहीं हुआ तो मैं इधर से रिटर्न हो जाऊंगा. ठीक है, सो डन विद द परमिट. जुप जुप. ओके सर, बाय बाय. सो डन विद द परमिट. यहाँ पे आपको दिखाना होता है, एंड वंस यू क्लियर ओवर देयर यू आर फ्री टू गो. दैट पुलिस प्रोसेस वाज वेरी, आई मीन लाइक, बट क्यूट टाइप के थे, लाइक बात करने का तरीका सही था. चलो गाइस, सी यू अहेड.
Just look at the illusion. Wow. Hey, Yak Baba, कैसे हो? आपको छू सकते हैं कि नहीं? नहीं छू सकते? चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अब गुस्सा मत हो जाना, ठीक है? अब ऐसे रहना. ओ, गुस्सा हो गया. वहाँ से मैंने अपना बाइक जो है यहाँ पे पार्क कर दिया, बिकॉज ये यक का पार्किंग का एरिया है. सो अभी जो है हम जा रहे हैं उस तरफ, एंड फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे रोपवे केबल पे, मतलब केबल कार पे. देखते हैं वो अभी तक चालू हुआ है कि नहीं. अगर चालू है तो वेल एनफ, नहीं तो घूम के आते हैं. एंड एक चीज़ आप याद रखना, जब भी आप ऐसे किसी बर्फीले एरिया में आओ जहाँ पे सारा पहाड़ जो है बर्फ़ से भरा हुआ है, आप प्लीज़ कोई ना कोई सनग्लास ज़रूर लगा लो, बिकॉज सन रेज जो है वाइट में जब रिफ्लेक्ट होता है तो अपना कॉर्निया के थ्रू जब वो रेज पास होता है, इट्स रियली अफेक्ट, आपको ब्लाइंड भी कर सकता है. सो एवर यू कम वेयर ए सनग्लास, ताकि आपके आँखों को जो है डायरेक्ट रेज ना पहुँचे. एंड हमारे साथ है ये मुस्तंडे मोटे से ये सब याक, एंड अमेजिंग अमेजिंग. ये हो गया एंट्रेंस एरिया. काफी ठंडी हवा बह रही है भाई, काफी ठंडी हवा. तो सामो पैसेंजर रोपवे इज 14,500 feet. सो बेसिकली यू कैन सिट एंड यू कैन एंजॉय द व्यू. सो अभी हम जो है जा रहे हैं सीधे सीधे सामो लेक के साइड से, और यहाँ पे बर्फ गिरा हुआ है. ओके, सो आई हैव रीच्ड दिस सामो लेक के यहाँ पे जो जगह है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ. तो दिस इज अ लवली एरिया वेयर यू कैन सिट डाउन. वंस यू गेट एग्जॉस्टेड यू कैन सिट ओवर हियर, एंड यू कैन नॉट फाइंड यू नो द क्लीन स्नो. एक्चुअली ईच एंड एवरी स्नो हैव गॉट लाइक यू नो डिवास्टेटेड विद द फुट प्रिंट्स, एंड देयर इज नो वर्जिन स्नो ओवर हियर. Still, I will try to go over there and I. ये भैया फट रही है. जब भी आप बर्फ में चढ़ो ना, एंकल को ऐसे करके फंसाना ताकि वो एक लॉक तरह का बन जाए, और आप ऊपर की तरफ चढ़ पाओ. काफी ऊपर तक चढ़ चुका हूँ मैं. हाँ, अब मजा आएगा. हाँ. भाई साहब बहुत ठंड है. डन भाई साहब, यही करना था, कर लिया. That's what the view. Okay, so done with the snow and all. ये दिखाने को है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बाहर है बर्फ है, आप आओ. But yeah, remember ये बर्फ जो है मार्च से लेकर के अप्रैल और मई मिड मैक्सिमम तब तक रहेगा. उसके बाद अगर आप आओगे तो आपको ये सारा बैरन लैंड मिलेगा, घास उगे हुए मिलेंगे, एंड दैट्स इट. ये पानी आपको मिलेगा, दैट्स इट, आपको बर्फ नहीं मिलेगा. सो एवर यू प्लान टू विजिट सांगमो लेक नाथुला एंड ऑल, तो आप प्लीज़ मार्च एंड से चालू करके अप्रैल मई मिड तक आप ट्राई करो, आपको बर्फ मिलेगा. क्या गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम सांगमो लेक. अभी बाइक में जाऊँगा बैठ के, देन आई विल गो टुवर्ड्स नाथुला पास. मूविंग फ्रॉम सांगमो लेक, एंड दैट्स ए ब्यूटी, एंड दैट्स ए ब्यूटिफुल लेक. सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नाथुला पास. देखते हैं नाथुला पास में परमिट देता है या नहीं, मिलता है या नहीं.
Let's see. So Nathula is 18 kilometers from here. तो काफ़ी लोग जो है यहीं पर ही फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा एक लेक है, मंजू लेक। मैं जुलुक जा तो सकता हूँ, लेकिन देखते हैं, जुलुक का रोड का कंडीशन भी अच्छा नहीं है। सो लेट्स सी, जुलुक से रिटर्न करता हूँ वाया गैंगटॉक या आपका रंगपू होके निकलता हूँ। लेट्स सी। बोल रहे हैं कि मिलिट्री का अलग से बनता है, ये सिविलियन पास है। अरे अक्टूबर भी मैं आके गया हूँ। जुलुक थोड़ा जुलुक करके वापस आ जाऊंगा फिर मैं। सर बात ऐसा है कि नाथुला के लिए फिर परमिट कहाँ से बनाऊं? गैंगटॉक में कौन सा जगह है? गैंगटॉक में वही बनेगा टूरिज्म। अभी बन है ना नाथुला। रीजन रीजन सर कारण वही तो स्नो ज्यादा है ना, ऊपर स्नो ज्यादा है इसलिए गाड़ी नहीं जा रहा है। तो ये पास सेम जगह से? हाँ सेम जगह से अप्लाई करने से मिलता है आपको, सारा जहाँ जाना है वहाँ वहाँ तक मिलेगा, नॉर्थ सिक्किम का सारा प्लेस। बाकी सब तो सर कैमरे का क्या फायदा होता है? ऐसे मैं जहाँ भी जाता हूँ शूट करता हूँ, इसको वीडियो बना के मैं YouTube में डालता हूँ। और अपना सेफ्टी के लिए भी, कई बार क्या होता है कोई गाड़ी वाला आके मार दिया, प्रूफ नहीं होता अपने पास। ये तो गाड़ियों में भी लगता है ना, इवन बहुत लोग यूज़ करते हैं, पुलिस वाले भी यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ करते हैं। तो आप जा रहे हैं ना बस, आपका भी नहीं। नीचे से डाल के फिर वापस गैंगटॉक आ जाएंगे। तो बैड लक, नाथुला नहीं मिला इस साल, मतलब इस बार नहीं मिला। कारण है कि ऊपर बहुत सारे स्नो गिरे हुए हैं एंड जिनके कारण वो अलाउ नहीं कर रहे। कोई नहीं, हम जरूर जाएंगे। नाथुला नहीं हो तो क्या हुआ, हम जरूर जाएंगे। और हो रहा हेलीपैड, और ऊपर में क्लाइमेट भी बहुत ख़राब है, मैं मानता हूँ ये बात भी। चलो नहीं हो, कोई नहीं। तो जिन जिनको नाथुला देखना है बर्फ़ में, तो आप मेरा नाथुला का व्लॉग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा लिंक, आप देख लेना वहाँ से। सो चलते हैं जुलुक। यहाँ पे रुकते हैं और खिंचे मेरी फोटो करते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं एंड क्या बताऊँ, इतना सुंदर व्यू है इसका, वेरी ब्यूटीफुल। ईच एंड एवरी व्यू इज लाइक अ डिफरेंट व्यू। सो इफ यू वांट यू कैन इवन डू बोटिंग ओवर देयर। बोटिंग के लिए आपको यहाँ से जो है जाना पड़ेगा और आप वहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो। सो अल्पन एडवेंचर पार्क में आप ये कर सकते हो बोटिंग। इंडियन फ्लैग
और ये जो है ये है बाबा मंदिर एरिया। सो यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे एक शिव जी का मूर्ति है, वहाँ पे जो वाटरफॉल है, किलर वाटरफॉल, सो ब्यूटीफुल। अब सारे टूरिस्ट जो है ना यहीं पे आके रुकते हैं, इसके आगे कोई जाता नहीं है, और इसके आगे आ जाएगा आपका जो रियल में जो बाबा मंदिर है वो होता है, एंड उसके बाद फिर यहाँ से हो जाएगा आपका, इसके बाद जो बाबा मंदिर होगा वो होगा ओरिजिनल, मतलब जिस पे सही में हरभजन बाबा सिंह जो है, हरभजन सिंह जो है वहाँ पे रहते थे। So this is the checkpost for Zuluk. मैं थोड़ा सा आधा रास्ते से वापस आ जाऊंगा। हाँ जुलुक लिख दो, चेकपोस्ट से नहीं क्रॉस करूंगा, ठीक है? आप सिंगल है ना? हाँ मैं सिंगल हूँ। व्हाइट वाला तो ले लिया है? नहीं, जरूरत वाला है। हाँ। So got checked. जुलूक गुरुदम्बर, लेकिन सबको बहुत झमेला है, परमिट दिखाना पड़ता है, नाथुला का तो हुआ ही नहीं। सो है थोड़ा सा, लेकिन नाइस, अपना बॉर्डर एरिया है ना चाइना, तो सेफ्टी मेजर के लिए ये लोग मेंटेन करते हैं, नाइस, यानी इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द करिकुलम। क्या फूटा हुआ अभी, कांच फोड़ दिया क्रिकेट खेलते खेलते। चलो कोई नहीं। ओके गाइस, सो वंस आई गेट आउट क्लियर फ्रॉम हियर आई विल गेट बैक टू द कैमरा ओवर देयर, यहाँ से नहीं वहाँ से। ओके सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में और एक लेक है जो कि काफ़ी सुंदर है, लेकिन आर्मी कैंपस के अंदर तो अलाउ नहीं है, जा नहीं सकते हो आप। एंड दिस इज़ ए व्यू, अभी आगे नज़ारा और भी खतरनाक किलर होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग जुलुक इन स्नो, सो स्नो में जुलुक का एक अलग ही मज़ा है। लेकिन एक चीज़ है, जब आप बर्फ़ में बहुत देर तक ड्राइव करते हो ना, तो क्या होता है ना कि आपके फेफड़े में ठंडा हवा घुसते 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 आपका फेफड़ा भी ना एक अजीब तरह का हो जाता है, एंड देन यू कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। एंड यार ये तो खतरनाक वाले टर्न से, इधर तो धीरे धीरे टर्न लो भाई साहब, और भी देखो इतना क्लाउड है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। चलो गाइस आगे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, तो अभी क्या करते हैं, अभी कैमरा बंद करता हूँ, काफ़ी ठंड भी लग रहा है, और जितना ठंड में आप कैमरा या मोबाइल आप रखते हो ना, उतना जल्दी उसका बैटरी भी ड्रेन होता है। सो मैं अभी ये बंद कर देता हूँ कैमरा, एंड आगे कुछ दिखाने लायक शॉट्स होगा तो मैं ज़रूर मिलता हूँ। अभी जुलुक की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कितना दूर तक विजिबिलिटी होता है। ओके गाइस, सो रिच्ड जुलुक, अभी देखो कैसे वो घने बादल आ रहे हैं, अभी ये सारा आके इधर भी क्लाउड कर देगा, एंड देन अभी यहाँ से हम लोग नीचे उतरते हुए सीधा जाएंगे। सो इसके बाद का व्लॉग का कुछ मतलब ही नहीं बनेगा, बिकॉज देखो किस तरीके से बादल आ रहे हैं, लेट मी शो यू।
बाइक थोड़ा सा आगे चला जाए, हाँ सी दिस रोड अभी ऐसा है, अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी आपको यहाँ पे आप कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इट्स गॉन। सो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाके फिर वहाँ से बैक टू सिलीगुड़ी। सो गाइज आई वुड लाइक टू एंड ऑफ द व्लॉग ओवर हियर, आई वोंट स्ट्रेच इट मोर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग वंस अगेन, एंड इफ यू हैव लाइक समथिंग डू प्रेस द लाइक बटन, इफ यू हैव समथिंग टू कमेंट देन डू कमेंट डाउन, यू कैन शेयर दिस व्लॉग विद योर फ्रेंड्स एंड राइडर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट टू सी दिस ज़ुलुक एंड अदर पार्ट्स, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम दैट इज बाइक अनिलाद्री, यू कैन ऑल्सो फॉलो माई फेसबुक पेज दैट इज बाइक अनिलाद्री, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर दैट इज बाइक अनिलाद्री, एंड पीपल दोज यू हैव लॉट ऑफ क्वेरीज so they can mail me, my mail ID will be in the description box below, and yeah guys tata bye bye zuluk yahi hai abhi kuch dikhai nahi de raha hai so iske niche se hum log niche chal ke jayenge, so bye bye take care, ride hard, ride safe, and yes do wear helmet and explore Sikkim because it's very beautiful. Bye bye, signing off, Niladri here, see you in the next vlog.